हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर मोहम्मद अली शाजी भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। क्योंकि आप तस्वीरें देख रहे होंगे इतने समय से बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उन पर भी आपकी नजरें होंगी। ऐसे में सवाल ये है कि इस समय जहां पर हालात संभालने की बात थी, क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति लगातार बिगड़ रही थी, शेख हसीना को लगातार हालात संभालने थे और ऐसे समय पर इस्तीफा देना और भारत आना, ऐसे में बांग्लादेश की स्थिति संभलेगी या फिर और बिगड़ेगी? जी, और बिगड़ेगी। मैं ऐसा कह मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र में जब उनके प्रधानमंत्री जब मुल्क छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी जान को खतरा होता है, और जिस तरीके से लोग आपका प्रेसिडेंशियल पैलेस आपका स्टॉर्म करते हैं, वो उसको हड़ताल में प्रोटेस्ट करते हैं, तो स्थिति बिगड़ेगी। इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। और बात ऐसी है कि अभी उनके आर्मी चीफ का एड्रेस करेंगे राष्ट्र को जी, आर्मी टेकओवर कर देगी बांग्लादेश के अंदर। और हालात बांग्लादेश में वैसे ही शेख हसीना ने काफी हद तक सुधारे थे बांग्लादेश के हालात, और अभी मैं देख रहा हूँ कि हालात बिगड़ते हुए और बांग्लादेश को, क्योंकि 71 में जब तो हमारे ही हिंदुस्तानी तब मेजर साहब थे अशोक तारा साहब, कर्नल अशोक तारा साहब, इन्होंने मुजीबुर रहमान की फैमिली को बचाया था। तब शेख हसीना बहुत छोटी थी उस टाइम पे, और अभी भी एक सेफ हेवन हिंदुस्तान को मानते हुए उनका हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान के अंदर ही लैंड किया है। यानी कि अब वो कहीं पे भी जा सकती थी उनको अगर चाहती तो। उन्होंने हिंदुस्तान को ही इसलिए चुना क्योंकि उनको मालूम है हिंदुस्तान में वो महफूज रहेंगी, हिंदुस्तान उनका दोस्त है। और बल्कि आपको मैं एक और चीज याद दिलाता हूँ कि रूस और यूक्रेन का जंग हुआ था, तब पाकिस्तान के बस के ऊपर लोग हिंदुस्तान का झंडा लगा के घूम रहे थे सुरक्षा कवच की तरीके से, क्योंकि मालूम है कि हिंदुस्तान में महफूज रहोगे। हिंदुस्तान ने जब ऑपरेशन गंगा चलाया, हिंदुस्तान में जब अफगानिस्तान से भी ऑपरेशन चलाया, तो और भी मुल्क के भी लोगों को रिहा करके हम लेकर आए थे। अब बांग्लादेश की बात करते हैं, 2020 में मेरे को बांग्लादेश से न्योता आया था, मैं गया था वहां पे, और बड़ी अच्छी इन्होंने खलूस से खातिरदारी करी, एक टेडेक्स टॉक देने के लिए गया था मैं वहां पे। तो बांग्लादेश हमारा, और जो इज्जत करते थे वहां के बांग्लादेशी, मैंने देखा था हिंदुस्तानियों की बड़ी अच्छी थी, और वहां के प्रशासन हिंदुस्तानी का नाम लेते ही वो बड़े इज्जत पे आ गए थे। तो अब मैं देख रहा हूँ, अगर शेख हसीना जब अपना मुल्क छोड़ के हिंदुस्तान में आ जाती हैं तो 100% देखो, अगर अब हवाई जहाज में आई हैं, हेलीकॉप्टर में आई हैं, तो जाहिर सी बात है एक अटैची बैग टाइम भी उसका नहीं होगा, कितना कितना जल्द से वहां से निकली होंगी वो वहां से। तो वहां के हालात बिगड़ गए हैं, और वहां के जो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने बोला कि भाई हम पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल तो नहीं होगा, 91 लोगों का मरना। देखिए 160 मिलियन की आबादी तो होगी वहां पे बांग्लादेश भी, कम से कम वहां पर ऐसा होना तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और इसका अगर जहां हमारे पड़ोस में कुछ होता है तो जाहिर सी बात है उसका असर रिपल इफेक्ट हमारे घर तक आता है, कहीं पे भी अगर हमारे आस पड़ोस में अगर चीख पुकार की आवाजें आएंगी हमें भी चिंता होगी, हम भी खिड़की से झांकेंगे, हम भी पूछेंगे खैरियत तो क्या हो गया। बस ठीक उसी तरीके से हिंदुस्तान के लिए भी एक चिंताजनक बात जरूर है, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क हमारे दोस्त में ऐसा बदकिस्मती से ऐसा हुआ है। जी शायद ये भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ही थे कि शेख हसीना कहीं और भी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने भारत को ही चुना। वो किस तरीके से शांत कराया जा सकता है? देखिए आर्मी चीफ ने एड्रेस करा, और वहां के लोग भड़के हुए हैं अभी इस टाइम पे, और वहां पे अलग अलग बटे हुए हैं, मैं तो उल्टा ये कहूंगा। तो अगर वहां पे जैसे कि मिलिट्री प्रशासन वहां पे आ सकता है, तो वैसे बांग्लादेश के लिए एक राष्ट्र के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं होएगा उनकी डेवलपमेंट के लिए, कि अभी जैसे कि उनके प्रधानमंत्री वहां से अपनी जान बचाकर वहां से निकली हैं, हिंदुस्तान में लैंड करी हैं, और यह कहा जा रहा है कि वो दिल्ली भी आ सकती हैं। मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि वो आएंगी, पक्का आएंगी, दिल्ली तो आएंगी वो, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ। अभी देखिए हेलीकॉप्टर जो होता है उसकी एक ऐसा नहीं है कि हेलीकॉप्टर उड़ के बांग्लादेश से डायरेक्ट दिल्ली में लैंड कर जाए, तो करीबी शॉर्ट फ्लाइट डिस्टेंस, क्योंकि जब मैं नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में था, जब मैं नागालैंड में था, तो हम हेलीकॉप्टर में शॉर्ट डिस्टेंस ही कवर करते थे, उसके बाद फिर हम फिक्स विंग से लंबी उड़ान भरते थे हम लोग, तो ये क्योंकि रोटर ब्लेड उसके, तो इस हिसाब से तो मैं देख रहा हूँ कि वो हिंदुस्तान आएंगी जरूर, ये अपना दिल्ली आएंगी जरूर,
हिंदुस्तान में तो आ चुकी हैं, महफूज तरीके से लैंड कर चुकी हैं। और एक और ऑब्जर्वेशन इस पे मैं ये देख रहा हूँ कि उनके हिंदुस्तान एक पड़ोसी मुल्क है और शेख हसीना चाहें तो कहीं पे भी जा सकती थी अपने आप को महफूज रखने के लिए, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान को ही क्यों चुना? क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे उनको भरोसा था, उनको एतबार था, यकीन था कि यहाँ पर वो महफूज रहेंगी, यहाँ पर हम पूछेंगे भी। लेकिन आप सोच सकती हैं किस इमरजेंसी में कैसे कैसे करके वो वहां से निकली होंगी। वो ये सोच के भी बहुत इसमें रूह कपा देने वाली बात है वैसे यहाँ पे बंगलादेश में भी जो हो रहा है सर। लेकिन जिस तरीके से स्थिति को संभालने वाला समय था, ऐसे में स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए थी। ऐसे समय पर इस्तीफा दे देना और बांग्लादेश छोड़कर भारत आ जाना, और कहीं ना कहीं ये छात्रों में आक्रोश और बढ़ा सकता है। हाँ, इसमें आपने दुरुस्त फरमाया, ये आक्रोश और बढ़ा सकता है। और इस्तीफा दे के फटाफट, ये अचानक से तो होता नहीं है कि आपके माइंड में होता है कि फिर मैं इस्तीफा दूंगा दूंगी, ये करूंने वाला हूँ, और ये प्लानिंग पूरी होती है इसके, भले ही रात रात की प्लानिंग हो, रात भर पहले या कुछ घंटों पहले की प्लानिंग हो, ये अचानक से नहीं होता कि भाई आपका दिमाग बिगड़ गया, जे लो मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, दे रही हूँ और मैं जा रही हूँ, ऐसे नहीं होता। तो जी हाँ, ये इससे हालात और बिगड़ सकते हैं बांग्लादेश के, लेकिन अगर वहां पे वो रह के डट के सामना करती हैं और इसको सॉल्यूशन को हल करती, मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा यकीन है कि वो हल कर पाती हैं ये सिचुएशन को। लेकिन इससे बांग्लादेश के हालात मैं दिख रहा हूँ और ज्यादा बिगड़ते हुए दिख रहा हूँ मैं, बदकिस्मती से। जी सर, लेकिन अगर हम भारत और बांग्लादेश के रिश्ते देखें, कितने सालों से हम उनके रिश्ते देखते हुए आ रहे हैं, उनके रिश्ते अभी से नहीं बहुत पहले से हैं, ऐसे में अब ये माना जाए कि भारत मदद कर सकता है बांग्लादेश की स्थिति से निपटने के लिए, और शेख हसीना का भारत जाने का उद्देश्य भी ये हो सकता है कि बांग्लादेश को मदद की ज़रूरत है, इस स्थिति से निपटने की ज़रूरत है, तो इस उद्देश्य से भी शेख हसीना भारत पहुँची हैं, ये तमाम उद्देश्य भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, ये उद्देश्य भी हो सकते हैं बिल्कुल। और ये आपकी ऑब्जर्वेशन की मैं दाग देता हूँ 100%, ये खास उद्देश्य हो सकता है इसमें। मगर मेन उद्देश्य मैं जो देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि उनको लगा सबसे महफूज तो वो रहेंगे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान उनको बचा लेगा। तो उस टाइम पे इमरजेंसी में जो जो सूझा कि भाई हिंदुस्तान में एक सेफ हेवन मिल जाएगा, तो एक वजह ये भी है। जी, अगर छात्रों का ये प्रदर्शन सर नहीं रुकता है और हालात और बिगड़ते जाते हैं, तो आने वाले समय में बांग्लादेश की स्थिति कितनी हद तक बिगड़ सकती है? देखिए, अगर ये प्रदर्शन मैं अभी नहीं देख रहा हूं मैं रुकते हुए, मैं ऐसा आपको कहूंगा, चाहे तो हालात काफी हद तक बिगड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है इनकी इकोनॉमी में भी फर्क पड़ेगा, और जब सत्ता पलट होता है तो जाहिर सी बात है पूरा देश कितने सालों पीछे चले जाता है। बांग्लादेश वैसे भी एक डेवलपिंग नेशन था, क्योंकि ज्यादा कोई खास डेवलप हो नहीं गया था वो, उसमें वहां पे भी गरीबी बहुत थी वहां पे, और बांग्लादेश एक गरीब नेशन है वैसे। और अभी बदकिस्मती से जो तरक्की की ओर वो जा रहा था धीरे धीरे करते हुए, लेकिन वो तरक्की की और इसमें यहाँ पे रुकते हुए मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल सर, देखना होगा, क्योंकि हालातों पर हमारी भी नजरें बनी हुई है, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, और बांग्लादेश के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।